हरिद्वार में पंचायत चुनावों का समर चल रहा है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार से पूछा जाए तो उसका यही कहना है कि क्षेत्र की जनता इस बार अपना अमूल्य वोट उनके पक्ष में करके उन्हें भारी मतों से विजयी दिलाएगी, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा किसके सिर ताज सजेगा और किसकी मायूसी हाथ लगेगी। हमारे संवाददाता अमित मित्तल ने आज भादरा बाद ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार नीरज चौहान से खास बातचीत की है। आपको बताते चलें कि नीरज चौहान पूर्व में अभी गांव के प्रधान रह चुके हैं और प्रधान पद पर रहते हुए उन्होंने क्षेत्र को चौमुखी विकास किया है। 17 महीने बाद होने जा रहे पंचायत चुनावों को जनता की दृष्टि से देखें तो यह तो आने वाला समय बताएगा। महीने बाद पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम प्रत्याशी अपनी कश्मकश में लगे हैं और लोगों को रिझाने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं नीरज चौहान जी से, जो पूर्व में भी भादराबाद के ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उनके द्वारा किया गया चौमुखी विकास आज क्षेत्र की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जनता का पूर्ण रूप से समर्थन नीरज जी के साथ है। आइए बात करते हैं नीरज जी अपने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्हें जो मौका मिला है वो उसको किस प्रकार उगाएंगे। पहले तो मैं भादरावादी जो जनता को नमस्कार करता हूँ। विकास की जहाँ तक बात है, मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ, मैंने अपने द्वारा जब प्रधान रहा हूँ तो अनेकों कार्य किए हैं, जैसे शमशान घाट का सौंदर्यकरण, गाँव में स्ट्रीट लाइट, स्वतंत्रता सेनानी द्वार और भी हमने कार्य किए हैं। अब जो मेरा मेन मुद्दा रहेगा वो गाँव की पानी की निकासी, गाँव में लाइट और सफाई पर ज़्यादा फोकस करेगा। प्रधान के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, उसको नशा मुक्त भादराबाद को नशा मुक्त जरूर करा जाएगा। इसके प्रयास रहेगा चाहे वो प्रशासन की तरफ से या जैसे भी जनता के सहयोग से नशे पर पूरा फोकस रहेगा। यही है कि अपना गाँव की जनता का सहयोग करना, गाँव के लिए काम करना और सभी वर्गों को साथ लेकर उनके बीच में रहना। जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इनको दोबारा मौका मिलता है तो गांव के समस्त जनता को साथ लेकर चलेंगे, पानी की निकासी हो, सिविल की बात हो, या शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, या चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो, और इनका मेन तौर पर यह कहना है कि नशे को बिल्कुल मुक्त कर देंगे, क्षेत्र को नशे से बिल्कुल मुक्त करेंगे और इस बार शायद ये चुनावी मुद्दा ही बन सकता है। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ अमित मित्तल, खबर एक्सपर्ट हरिद्वार।